ऋषिपुर नामक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही बदमाश था। गांव में उसकी एक परचून की दुकान थी। वो उस दुकान को अकेले ही देखता था। गोलू के पापा विदेश में रह के काम करते थे और पैसे कमाते थे, इसलिए गोलू अपनी मम्मी के साथ उस गांव में रहता था। वैसे गोलू बहुत ही बड़ा नास्तिक लड़का था। जब भी उसकी मम्मी पूजा करने बैठती तो गोलू कहने लगता, अरे मम्मी आप ये सब क्या कर रही हो, भगवान नहीं होते, ये सब झूठ है, आप ये सब मत किया करो मेरे सामने, और गोलू अपनी मम्मी को बोलने लगता। एक बार गोलू अपनी परचून की दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर गया था और गांव लौटते लौटते उसे रात हो गई। वो जंगल के रास्ते अपने गांव को लौट रहा था। वैसे उसे बहुत ही डर लग रहा था। गोलू घर पहुँच के खाना खाने के बाद अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसे पीछे से डरावनी आवाज़ सुनाई दी। गोलू डर गया और फिर वो डर के मारे खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा और फिर वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंचा और उसने अपनी मम्मी से बोला कि अरे मम्मी, मुझे मेरे रूम में भूत की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी मम्मी सब कुछ समझ गई और वो गोलू के रूम में जाकर हनुमान जी का एक फोटो लगा दी और फिर उन्होंने बोला कि अब तुम सो सकते हो। उसके बाद गोलू पूरी रात बहुत ही अच्छी तरीके से सोया, उसे बिल्कुल भी भूतों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अगली सुबह वो अपनी मम्मी के पास जाकर बोला, अरे मम्मी आपने ये क्या किया, मुझे तो पूरी रात किसी भी भूत की आवाज़ नहीं सुनाई दी, ये सब कैसे हुआ। उसकी मम्मी ने बोला कि अरे बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ हनुमान जी ने किया है, इसलिए मैं तुमसे बोलती हूँ कि भगवान की पूजा किया करो। इतना सुनने के बाद गोलू को भी विश्वास हो गया था कि संसार में भगवान रहते हैं।